नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल एटेक पे जी हाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किलोस्कर सिंगल फेस और तीन आस पावर के पंप के बारे में जो कि किलोस्कर कंपनी का पंप है और सिंगल फेस का पंप है चलिए इसको ओपनिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं पंप का जो कि किलोस्कर के का सिंगल फेस मोनोब्लैक पम्प है बारह मंथ की वारंटी है होम सर्विस है दोस्तों इस पर और जो इसका फुल डिटेल्स दिया गया है जिस दोस्तों जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो के का है तीन सौ बारह मॉडल है और जो इसका हेड साइज है दोस्तों जी हाँ दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं हेड साइज़ जो कि सौ गूढ़े सौ का है दोस्तों इससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये तीन हाउस पावर में कितना हैवी पंप है दोस्तों और टू पॉइंट टू जीरो किलो वाट और तीन हाउस पावर का पंप है और जो इसका वोल्टेज रेंज है दोस्तों ये दो सौ तीस है तो आप दो सौ एक सौ अस्सी से दो सौ तीस में ये मैक्सिमम चलेगा दोस्तों और अठारह मंथ की वारंटी के साथ है दोस्तों जो कि के का सिंगल फेस का मोनोब्लैक पम्प है तो दोस्तों चलिए हम इसको ओपन करते हैं और इसको दिखाते हैं आपको और ये जो दिया गया इसका टोल फ्री नंबर है दोस्तों जिससे कि आप होम सर्विस प्राप्त कर सकते हो विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर जी हाँ दोस्तों चौबीस घंटे के अंदर आप होम सर्विस भी प्राप्त कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो वो अपने घर पे आप टोल फ्री नंबर द्वारा होम सर्विस प्राप्त कर सकते हो तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं मोटर को जो कि तीन आस पावर का मोटर है और सबसे पहले दोस्तों ये इसका फर्स्ट व्यू है जिसमें इसका कवर हटाते हैं दोस्तों और कवर हटाने पर सबसे पहले जो हम आपको मिलता है ये इसका फर्स्ट व्यू है और इसके साथ इसको इसका वारंटी कार्ड मिलता है तो इसका वारंटी कार्ड जब आप मोटर लेते हो तो उससे बारह मंथ तक का वारंटी कार्ड है जो कि आप जिस दिन से मोटर लेते हो उस दिन से बारह मंथ तक का मिलता है और टोल फ्री नंबर से होम सर्विस मिलता है दोस्तों आज हम इस पर आपको फुल डिटेल्स दिखाएंगे कि आपको कनेक्शन कैसे करना है और पंप कितना पानी देता है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक like और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि हम इसमें इसका फुल डिटेल्स दिखाएंगे तो देख रहे हो दोस्तों जो इसका हेड है और जो इसका होस पाइप का कनेक्टर है ये दोनों सौ गूढ़े सौ का है दोस्तों तो चैनल को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों जिसमें आपको इसका कनेक्शन करना और इसका पानी का रेंज ज़रूर हम आपको फुल डिटेल्स में दिखाएंगे दोस्तों तो जो ये इस पर दिया गया है किलोस्कर का स्कैनिंग सिस्टम दिया गया है और ये के डी एस तीन सौ बारह मॉडल दिया गया है दोस्तों और अट्ठाईस सौ चालीस आर पी एम है दोस्तों जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सौ गुड़े सौ के पंप में अट्ठाईस सौ चालीस के आर पी एम में आप कितना पानी आपको मिलने वाला है दोस्तों तो सिंगल फेस पंप में है और दोस्तों ये जो टू पॉइंट टू जीरो किलो वाट है और तीन हाथ पावर में है दोस्तों तो और स्कैनिंग सिस्टम दिया गया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि ये जो अट्ठाईस सौ चालीस आर पी एम है और सौ गुड़े सौ का हेड है दोस्तों तो कितना पानी मिलेगा और मोटर बिल्कुल आपको साइलेंटली चलेगा दोस्तों क्योंकि पीछे प्लास्टिक की पंखी है और कवर है दोस्तों तो मोटर आपको बिल्कुल साइलेंट चलेगा बिल्कुल भी आवाज़ नहीं मिलेगा और ये इसका कनेक्शन का जगह है और किलोस्कर जो है अपने हर पार्ट्स पे अपना नाम जरूर देता है दोस्तों क्लोज कर तो देख रहे हो दोस्तों ये जो इसका कनेक्शन का जगह है जो इसका बाक्स है और इसके ऊपर ये कंडेंसर है तो इस बास पे भी क्लोज कर दिया गया और कनेक्शन के जगह को दिखाया गया है दोस्तों जिससे कि आप कनेक्स कनेक्शन कर सकते हो तो चलिए दोस्तों इसको पहले हम सेट करते हैं और सेट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसमें कनेक्शन करना है तो सबसे पहले इसके ऊपर वाले कवर को हम लोग हटाते हैं ये जो कवर है रबड़ का कवर आता है इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया जाता है और साफ़ करके इसमें जो इस कवर को आप दिखा रहे हैं हम आप लोगों को ये जो कवर है इसको बिल्कुल हटा लिया जाता है और इसको हटा के इसमें हम सबसे पहले तीन एम ए तीन इंच का जो है अपना बैंड लगाएंगे और इसके पहले हम आपको इसको दिखा रहे हैं कि इसको तीन इंच बैंड लगाने के लिए चूँकि दोस्तों पचहत्तर गुड़े पचहत्तर सारे मोटरों में यही साइज आता है लेकिन ये किलोस्कर का जो स्पेशल है जो सौ गुड़े सौ का देता है तो इसके लिए हम पहले तीन एम एम तीन इंच का लगाने के लिए बैंड इसमें साकिट लगाएंगे दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया गया है और ऐसा ही प्रोसेस इसके आगे वाले पंखी पे भी करना है दोस्तों जहाँ पे हमको सेक्शन लगाना है दोस्तों तो इसको भी ऐसे ही साफ़ कर लिया जाता है जो कि बिल्कुल आसानी से हो जाता है दोस्तों क्योंकि ये जो रबड़ का है और आसानी से आप किसी भी धार धार से काट के और देख रहे हो दोस्तों बिल्कुल आसानी से निकल जा रहा है इसमें ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हो और बिल्कुल साफ़ कर सकते हो दोस्तों और इसके बाद से हम दिखाते हैं दोस्तों कि कैसे इसके हेड को हम तीन इंच के बैंड को बनाने के लिए कैसे इसमें साकिट लगाएंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको कि इसमें ये जो साकिट है टेप्लान टेप जरूर लगा लेंगे आप धागे सफ़ेदे का भी यूज कर सकते हो जिससे कि लीकेज की संभावना न बनी रहे और इसको हम बिल्कुल पूरा कस देते हैं दोस्तों और कस के इसको इसमें हम बैंड लगाएंगे दोस्तों तो देख रहे हैं दोस्तों इसको बिल्कुल पूरा कस दिया गया है जिससे कि ये पचहत्तर एम एम का हेड हो गया है दोस्तों और इसमें आप तीन इंच का बैंड आसानी से कस सकते हो दोस्तों पचहत्तर एम एम का बैंड करने से आपको ये होगा कि पानी फोर्स से भी मिलेगा और आप को बिल्कुल अपना डिलीवरी पाइप जो चार इंची का आता है उसको लगाने के लिए आसानी भी होगा क्योंकि दोस्तों जो हेड है सौ गुड़े सौ का तो इसमें आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये जो इसका है बैंड है बैंड को लगा देते हैं दोस्तों और बिल्कुल टाइट कर देते हैं जिससे कि लीकेज की संभावना ना बनी रहे और इस बैंड को लगा के दोस्तों और उसके बाद से हम इसमें आगे इसके एक नेपुल लगा देंगे जिससे कि पानी का फोर्स और भी ज़्यादा बना रहे तो दोस्तों आप एक साकिट से आसानी से इसको पचहत्तर का बना सकते हो पानी बिल्कुल आपको उतना ही मिलेगा फोर्स ज़्यादा बनेगा दोस्तों तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों लेकिन अगर आप चाहते हो तो उतना मोटा भी लगा सकते हो दोस्तों लेकिन ये आपको आपके नेपुल है तो दोस्तों देख रहे हो सौ एम एम के पंप को अढ़ाई इंच तक हम लोगों ने कर दिया है कनेक्ट और जिससे कि पानी का फोर्स बिल्कुल भरपूर मिलेगा दोस्तों तो मोटर आपना भरपूर फोर्स देगा एक सौ अस्सी से लेके दो सौ तीस तक दोस्तों और ये जो हमने लोगों ने डाल दिया है इसका सेक्शन पाइप और ये जो है इसका कनेक्शन करना है दोस्तों तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले आप लोगों को हमने जो दिखाया था कवर उस कवर को हटा लिया है दोस्तों और इसमें देख रहे हो दोस्तों बिल्कुल चीनी मिट्टी पे इसको सेट किया गया है बिल्कुल सुरक्षित है दोस्तों जिससे कि बिल्कुल भी करंट की संभावना ना बने दोस्तों तो चलिए इसको करते हैं हम है लोग और इस पर करेक्ट करते हैं और ये जो सेक्शन का है सेक्शन सेक्शन में फ्लेंच लगा दिया गया और इसको मोटर से कनेक्ट कर देते हैं हम दोस्तों तो चलिए इसको मोटर से कनेक्ट कर देंगे और स्टर्ट से इसका बोल्ट जो है कस देंगे जिससे कि मोटर बिल्कुल सेफ रहे और देख रहे हैं आप हमने इसको कैसे सेट किया है और आप वीडियो तक ज़रूर लास्ट तक बने रहें दोस्तों जिससे कि हम आपको दिखाएंगे कि पानी ये कितना देता है तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं हम आपको बिल्कुल कस दिया गया और देख रहे हैं दोस्तों कैसे सेट कर दिया गया है इसको और हम लोग किसान भाइयों के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद ही बड़े किसान भाइयों के लिए भी छोटे किसान भाइयों के लिए भी तालाब के लिए भी बहुत ही अच्छा ये मोटर पड़ेगा आपको जो कि पानी बहुत ही ज़्यादा देगा और ये इसका एक कनेक्शन है टेन एम के वायर में हम लोगों ने इसका कनेक्शन कर दिया और सेकेंड वायर में हम लोगों ने एन कनेक्ट किया है दोस्तों जो आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में एन कनेक्ट करने से बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं आप सुरक्षित रहोगे और एन से आप अपना इसको बिल्कुल टाइट कर दिया गया है देख रहे हैं हमारे किसान भाई ने इसको बिल्कुल टाइट कर दिया है इससे भी कोई भी शार्टेज की समस्या न हो और इसमें जो सेकेंड वायर है सेकेंड वायर में एन कनेक्ट कर देंगे जिससे कि हम लोगों को ये रहेगा कि ये मोटर भी सुरक्षित रहेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो ये देख रहे हैं सेकेंड वायर में एक तरफ से एन कस दिया गया है और इसके दूसरे तरफ भी एन डाल के और ये दूसरे वायर को मोटर से कनेक्ट किया जाएगा तो दिखा रहे हैं आपको पहले उसको मोटर से कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम लोगों ने बिजली सप्लाई कर दिया है तो इसका सेकेंड वायर भी कस देंगे और इसका सेकेंड वायर से एन में कनेक्ट कर देंगे एन में कनेक्ट करने से आप बिल्कुल भी आसानी से एन से कनेक्ट कर सकते हो और आप कट कर सकते हो यहीं से बिल्कुल भी तो दोस्तों ये जो है एन आप ज़रूर लगाएं जिससे कि आप सुरक्षित रहेंगे अपने सुरक्षित आपका भविष्य रहेगा दोस्तों तो ज़रूर एन का यूज़ ज़रूर करें तो चलिए दिखा रहे हैं हम आपको कि सेकेंड वायर को कैसे कनेक्ट करें तो चलिए दोस्तों सेकेंड वायर को कनेक्ट कर देते हैं और हम आपको दिखाते हैं सेकेंड वायर कनेक्ट करके जो कि आपको दिखा रहे हैं हम दोस्तों ये सेकेंड वायर है सेकेंड वायर को भी कनेक्ट कर देंगे और सेकेंड वायर को कनेक्ट करके हम दिखाएंगे आपको कि मोटर कैसे चलता है कितने वोल्टेज पे चलता है कैसी सप्लाई होती है दोस्तों तो चलिए इसका सेकेंड वायर भी कनेक्ट कर दिया गया है और सेकेंड वायर कनेक्ट करके इसका बोल्ट जो है ऊपर से वाशर लगा के और बोल्ट को बिल्कुल टाइट कसते हैं दोस्तों जी हाँ दोस्तों इसके बोल्ट को बिल्कुल टाइट करेंगे जिससे कि ये निकले ना तो चलिए इसके बोल्ट को टाइट कर देते हैं और उसके बाद से इसके कवर को लगा देते हैं कवर को ऊपर से लगा के और उसके बाद से हम इसमें कनेक्शन देते हैं एन से कनेक्ट करके और फिर हम इसको कनेक्शन देते हैं तो देख रहे हैं इसको हम कस देते हैं इसके बोल्ट को और उसके बाद से जो है इसका कनेक्शन दे रहे हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं कि पानी कितना देता है डिलीवरी पाइप हम लोग कितना लगा रहे हैं और कितनी दूरी तक इसका वायर है जी हाँ दोस्तों हम लोगों ने इसके वायर को एक किलोमीटर दूरी से यहाँ पे कनेक्ट किया है दोस्तों तो इसके वायर को आप टेन एम mm के वायर है एक किलोमीटर दूरी से कनेक्ट किया है और जो इसका इसका ऊपर का कवर है इस कवर को सेट कर देते हैं जिससे कि आप इसके कवर को बिल्कुल सेट करके और उसके बाद से हम मोटर को स्टार्ट करते हैं एनसीवी से कनेक्ट करके तो ये इसका कवर है और इसमें ये इसके चार स्क्रू दिए गए हैं इन चारों स्क्रूपों को लगा करके और देख रहे हैं दोस्तों किसान भाइयों ने हमारे चारों स्क्रूपों को लगा दिया है और उसके बाद से हम इसमें कनेक्शन देंगे और कनेक्शन दे मोटर को उसके बाद से पानी का फोर्स देखेंगे तो ये जो इसका बोल्ट है चारों बोल्ट को कस दिया गया है और ये जो है इसका बहुत ही सेफली पार्ट है तो चारों बोल्ट को कस करके और उसके बाद से इसमें कनेक्शन देंगे हम लोग पहले सबसे पहले इसका जो सेकेंड वायर है देख रहे हैं इसको एन से कनेक्ट कर दिया गया है तो सेकेंड वायर भी इसका जो है सेकेंड वायर लगाया गया है उसको एन से कनेक्ट करके टाइट कर दिया जाता है और इसके बाद से इसको तुरंत कनेक्शन दिया जाता है जिससे कि मोटर हम देख सकते हैं दोस्तों कि कितना पानी देता है और कैसे सप्लाई रहता है इसका तीन हस पावर का सौ गुड़े सौ के हेड में जो पंप है तो दोस्तों चलिए इसको एन सी भी कनेक्ट कर दिया है हम लोगों ने आपको हम एक एक प्रोसेस दिखा रहे हैं दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें इतना मेहनत करने के बाद आप एक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों जिससे कि हम आपके लिए और ढेर सारी वीडियो बनाती रहें अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो दोस्तों तो हमारा जो है मन करता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हम लोगों ने इसको कैसे सेट कर दिया है और तीन आस पावर के पंप को जी हाँ दोस्तों देख रहे हैं तीन आस पावर का ये पंप है और बिल्कुल इसको सेट कर दिया गया है और पानी भी इसको भर दिया गया है दोस्तों पानी जरूर भरना पड़ेगा दोस्तों अगर लीकेज नहीं होता है और एक बार पानी आप भर देते हो उसके बाद पानी नहीं भरना पड़ेगा दोस्तों तो देख रहे हो दोस्तों और इसका आप कनेक्शन हम लोग दे रहे हैं और कनेक्शन दे करके और देख रहे हैं पानी कितना दे रहा है दोस्तों तो इसको ऑन कर दिया गया और देख रहे हैं कैसे हाँ तो इसको ऑन कर दिया गया है दोस्तों और देख रहे हैं वोल्टेज थोड़ा कम है दोस्तों जिससे कि पानी थोड़ा कम दे रहा है वोल्टेज आपका एक सौ चालीस से एक सौ साठ मिल रहा है अभी एक सौ अस्सी पर इसको आपको बिल्कुल फोर्सली पानी मिलेगा और ये जो देख रहे हैं दोस्तों पानी दे रहा है मोटर और बिल्कुल मोटर साइलेंटली चलेगा इसमें जो है आपको बिल्कुल भी आवाज़ का पता नहीं चलेगा दोस्तों बिल्कुल साइलेंटली चलेगा और इसमें डिलीवरी पाइप बांध दिया गया है देख रहे हैं आप पानी इसका फोर्स और दोस्तों चलिए इसके बाद से हम आपको दिखाते हैं डिलीवरी पाइप बांध दिया गया है और इसमें पानी का फोर्स आप देख रहे हैं दोस्तों जिनको जो कि अभी बिल्कुल वोल्टेज कम है तो वोल्टेज कम होने पे पानी आपको मोटर जरूर देगा दोस्तों लेकिन उतना फोर्सली नहीं देगा जितना इसका पावर है दोस्तों तो चलिए दोस्तों और ये जो दिखा रहे हैं हम आपको लास्ट तक ये इसमें कैसे डिलीवरी पाइप बांध दिया गया है दोस्तों डेढ़ किलोमीटर तक डिलेवरी पाइप बना गया है जो कि देख रहे हो दोस्तों डेढ़ किलोमीटर तक इतना हो जाता है कि आपको सात सौ फीट तक बांधा गया है डिलेवरी पाइप दोस्तों और पानी अभी बिल्कुल वोल्टेज कम है उसके बाद भी मोटर आपका चल रहा है सिंगल फेज पे चल रहा है दोस्तों तो किलोस्कर का जो ये मोटर है